A very good morning to all students. Hope you all are fine at home. So today we are doing the similar words, जिनके same meanings होते हैं बेटा, that is we are called them similar words. ठीक है, so जिसका same meaning होता है. ठीक है, जैसे हम कह दें कि first see here, first little, little हो small हो same meaning है, happy हो या glad हो same meaning है. ठीक है, आप sick हो, sick यानी बीमार हो, ill हो, तभी same meaning होता है. sick और ill का सेम मतलब होता है. अगर आप किसी जगह सिक लिख दोगे उसकी जगह इल भी राइट कर दोगे तो सेम है. अब मैम कहेंगे स्टार्ट योर वर्क और उसकी जगह अगर मैम बोल दे बिगेन योर वर्क तो सेम थिंग है. लाउड ऊंचा, नॉइसी वो भी ऊंचा ही होता है बेटा. प्रिटी वो भी अच्छा होता है, ब्यूटीफुल भी अच्छा होता है ना, बहुत सुंदर. एम्प्टी एंड ब्लैंक, एम्प्टी मतलब खाली, ब्लैंक मतलब जिसमें कुछ भी ना हो. ठीक है, क्लोज शट, डिफिकल्ट हार्ड. ओके, तो सी हियर क्लीन, क्लीन का और क्या होता है बेटा, टाइडी. ईजी है, सिंपल है, है ना. लेजी है या आइडल है. अंडर बिलो, कम अराइव, कम यानी आओ, अराइव यानी आ गया. ठीक है, काइंड नाइस, क्राई सोब, थीफ रोबर, एंड फिनिश. आपको कहें मैम प्लीज़ एंड योर वर्क, फिनिश योर वर्क, दोनों सेम चीज़ हैं. आस्क क्वेश्चन, मैम बोलेंगे कि आस्क मी या क्वेश्चन मी, है ना, क्वेश्चन करो या बोलो कुछ. अबव ओवर, फॉल्स, फॉल्स क्या होगा जो गलत है, अनट्रू. ओके, हाउस होम, वुमेन लेडी, बेबी को हम इन्फेंट भी बोल देते हैं. लिसन, लिसन टू मी, हियर मी. ओके, आंसर करो, रिप्लाई करो. ब्रिंग कैरी, टायर्ड थके हुए हो या स्लीपी हो. ठीक है, तो इन सब का क्या है, ये जो दिए हुए हैं आपको सेम मीनिंग होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिमिलर वर्ड्स. ओके बेटा, सो सी हियर द नेक्स्ट पेज. पुअर जो नीडी है ना, रिच जो वेल्दी है, जो वेल्दी जिसके पास अच्छा पैसा होता है वो रिच होता है. मिस्टेक कर दिया आपने, एरर निकालो, मिस्टेक निकालो. क्वाइट साइलेंट, क्वाइट मतलब प्लीज, मैम कहते हैं कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब आवाज़ नहीं करनी, तो साइलेंट पे मतलब भी यही होता है, आवाज़ नहीं करनी. फॉल गिर जाना, ड्रॉप भी गिर जाना होता है. कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा. चिली, चिली मीन्स ठंडा, है ना, चिल. रन, रन करो, जॉगिंग करो, सेम थिंग. अम्यूज़, प्लीज़, प्लीज़ हम कहते हैं प्लीज़ डू माई वर्क, एंड अम्यूज़ का भी सेम मीनिंग होता बेटा. ठीक है, अम्यूज़ मतलब ही होता है प्लीज़ करना. सो नेक्स्ट इज़ अ एक्सरसाइज फॉर यू, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग. तो यहाँ आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं और उसके रिलेटेड आपको थ्री थ्री वर्ड्स दिए हैं. आपने बताना है कि इसके सेम कौन कौन सा वर्ड है. डैम्प, डैम्प का मतलब क्या होता है बेटा, मोएस्ट, वेट. ठीक है, आप कहोगे दिस प्लेस इज डैम्प, ये प्लेस क्या है, डैम्प है यानी मोएस्ट है, वेट है यानी गीली है. ओके, क्लीन, क्लीन मतलब साफ. नीट, टाइडी, टाइडी अभी हमने किया है, डर्टी तो होता ही नहीं, डर्टी मतलब गंदा होता है, ऑपोजिट है ये. बिग, बिग हमने किया, ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा. इन्यूमरस, इन्यूमरस एक न्यू वर्ड है आपके लिए, इन्यूमरस वो भी इसका मीनिंग भी क्या होता है, बिग. ईजी, क्लियर, सिंपल, हार्ड तो ऑपोजिट हो गया. फास्ट, फास्ट फास्ट काम करो, क्विकली काम करो. स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब भी ये होता है बेटा, फास्ट. अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना. स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब भी डरना. फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर गया. ठीक है, तो ये सेम मीनिंग्स हैं. राइट, जो चीज़ ठीक है यानी करेक्ट है, जो ठीक होता है उसको हम ट्रू भी बोलते हैं. ओके, क्वाइट, क्वाइट का भी हमने किया था, क्वाइट मतलब शांति रखना. साइलेंट, सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब प्यार से बोलना. येल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना यानी शाउट करना. स्क्रीम, स्क्रीम का मीनिंग भी यही होता है बेटा, येल करना. सी वॉर्म, वॉर्म मतलब गर्म यानी हॉट, बर्निंग, ये सेम मीनिंग है इसके. कोल्ड नहीं आएगा, कोल्ड तो ऑपोजिट मीनिंग हो गया. ओके बेटा, सो दिस वॉज द चैप्टर सिमिलर वर्ड्स. ओके, सो रीड इट एंड लर्न इट, द न्यू वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर, सो रीड इट केयरफुली. ओके बेटा, सो इन द नेक्स्ट पेज सम वर्ड्स आर गिवन टू यू, दैट इज कॉल्ड डिक्टेशन वर्ड्स, यू हैव टू राइट इट ऑन योर फेयर नोटबुक. ओके बेटा, थैंक यू.